नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव हेड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार मिश्रा। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत महारथा मजरा गोटुट्टी में एक कोरोना पॉजिटिव। ग्राम पंचायत महारथा मजरा गोटुट्टी में एक व्यक्ति जिसका नाम अमेरिका प्रसाद पिता राम दुलारे, आज दिनांक 4/5/2020 को एसडीएम राम आश्रय वर्मा व नायब तहसीलदार नानपारा मनीष कुमार वर्मा व सीओ नानपारा अरुण चंद्र व मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे जी द्वारा अपने पूरे दल बल के साथ पहुँचकर ग्राम पंचायत गोटुट्टी को किया सील। सूचना दी डॉक्टरों को एवं डॉक्टरों की टीम पहुंचकर सैनिटाइजिंग करवाई। गांव में अमेरिका प्रसाद आए थे, जो उनके मित्र 8 लोग भी साथ में थे, जिनको आज एम्बुलेंस द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बहराइच भेज दिया गया। मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे गांव के लोगों से अपील की कि आप लोग 14 दिनों तक घर से बाहर ना निकले और ना किसी दूसरे से मिले। सिरोजित दीन खान के साथ कैमरामैन लड्डन की रिपोर्ट। एशिया के कटेबाद खुर्द साकिन मकोलिया में कल दो सब्जी विक्रेताओं रफीकुल्ला पुत्र मजीद निवासी कटेबाद खुर्द साकिन तथा हसी पुत्र कयूम के बीच सब्जी में खीरे का कम और अधिक दाम पर बिक्री करने के बाद को लेकर विवाद हुआ था। बाद में इस घटना में उनके परिजन भी शामिल हो गए। इस मारपीट के दौरान रफीकुल्ला पुत्र मजीद को काफ़ी चोटें आई थी, जिसे वास्ते इलाज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसके इलाज के दौरान आज सुबह मृत्यु हो गई है। इस घटना में शामिल अन्य लोगों भी उपचाराधीन हैं। साथ ही इधर परिजनों की ओर से कोई तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। मैं डॉक्टर सुरेश सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच बोल रहा हूँ। कल सायंकाल आई रिपोर्ट में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको L1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। उसके घर के सभी 4 सदस्यों का सैंपल लेकर के जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। अब हमारे ज़िले बहराइच में कोरोना पॉजिटिव के कुल 15 मरीज हैं, जो L1 हॉस्पिटल में भर्ती हैं और श्रावस्ती के 5 मरीज और भर्ती हैं। इस प्रकार L1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चित्तौरा कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की कुल संख्या 20 हो गई है। हमारे यहाँ 888 व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 760 निगेटिव आए थे और 15 पॉजिटिव आए थे। 113 व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी शेष है। आज कोविड-19 L1 चिकित्सालय CSC चित्तौरा में 23 अप्रैल को भर्ती हुए मरीजों के पुनः सैंपल लेकर के जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है और फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में कुल 82 मरीज भर्ती हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों के क्षेत्र के कंटेनमेंट प्लान में के अंतर्गत टीमों को नियमित रूप से स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य हेतु लगाया गया है और किया जा रहा है। आम जनमानस से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाकर बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, हाथ को बार बार धोएं,
कहीं आप छूने के बाद हाथ को सैनिटाइज करते रहें और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 24 घंटे चिकित्सकों की टीम सहित जनमानस की सहायता हेतु कंट्रोल रूम संचालित है जिसके नंबर निम्नलिखित हैं 052223-2417 और मोबाइल नंबर 9369842855 है। दूसरा मोबाइल नंबर 8881324365 है। अभी तक सभी नागरिकों के सहयोग से लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से लागू किया गया और हमें कोरोना के संक्रमण को एक हद तक रोकने में बहुत सफलता मिली है। और मैं फेज थ्री में भी चाहूँगा कि लोग हमारा सहयोग करें। आज हम लोगों ने रूट मार्च किया है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने रूट मार्च किया है, एसपी साहब भी साथ में थे और पूरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति को इस बीमारी की गंभीरता समझ में आए और वो अनावश्यक घर के बाहर ना निकले। और एक जो शर्त लगाई गई है कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर के बाहर नहीं निकलेगा, पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। तो इसके संबंध में एक जागरूकता लाने के लिए आज एक रूट मार्च किया गया है और नागरिकों से निरंतर सहयोग अपेक्षित है। पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव, हत्या की आशंका जता रहे परिवारजन। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के थाना खैरीघाट ग्राम पंचायत रायपुर के ग्राम कारीपुरवा का, जहां पर सीताराम पुत्र सुंदरलाल नामक युवक की लाश पेड़ से लटकते हुए मिली। परिवारजन लगा रहे हैं हत्या की आशंका। जहां इस घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल, तो वहीं पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है। लाश को पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के थाना खैरीघाट अंतर्गत ग्राम सभा रायपुर के गांव कारीपुरवा में खड़े हैं, जहां पे एक आदमी जो 28 वर्ष का था उसकी अचानक मृत्यु हो गई। अब उसको बताया जा रहा है कि इसकी मतलब फांसी के फंदे से लटकते हुए इसका शव मिला है, लेकिन इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि इसका मतलब ये फांसी लटकाया गया या किसी के माध्यम से लटकाया गया है। हम आपको रूबरू करवाते हैं उनकी धर्म पत्नी से। इनका क्या बयान है, क्या हुआ आपके पति पति के साथ, मतलब घटना का पता कैसे चला? हाँ, जो मृतक हुए आपके क्या लगते हैं, आपके लड़के हैं कौन से, बड़े की छोटे? सांझे लड़के हैं। तो मतलब क्या घटना है, कैसे घटी? भाई बात ते पकड़े। हाँ हाँ, अच्छा जी।